नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज रात्रि के 12 बजे से माँ लक्ष्मी और भगवान शनिदेव चले आपकी राशि में, और दोस्तों आने वाले 365 दिनों तक आप सभी के जीवन काल में आपके 6 बड़े सपने सच होकर रहेंगे, जिन्हें आपने कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अब आपके लिए बहुत ही बड़ा सावधानी पूर्वक समय आ गया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अब आपके जीवन काल के सबसे बड़े सपने सच होने वाले हैं, जो सपना आपके पूरे जिंदगी भर आप उन्हें याद रखेंगे। जी दोस्तों, ये कोई छोटा सपना नहीं है, जिन्हें लेकर आप कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। दोस्तों, ऐसे बड़े सपने हैं जिन्हें सुनकर दोस्तों आप बिल्कुल ही हैरतमंद रह जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यश में आपको खुश होने की जरूरत नहीं है, खुशियां मनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि दोस्तों अब आपको सावधान रहने की जरूरत है। कि दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले कई समय से आपके जीवन काल में बहुत सारे ऐसे मौके आए हैं, लेकिन दोस्तों उस मौके पर खरे न उतरने के कारण दोस्तों जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलती हो जाती है, जिनके कारण आपके विरोधी वर्ग के लोग आपके कार्यों में विघ्न बाधाएं डाल देते हैं। जी दोस्तों, और आपके कार्य खराब हो जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में आयुष में आपको कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना है ताकि आपके कार्यों में कोई भी अड़चने ना आए, और दोस्तों जो भगवान शनिदेव और माँ लक्ष्मी का जो आशीर्वाद है वह आप सभी के जीवन काल में पूर्णतः आपके जीवन को बदल दे। जी दोस्तों, तो ऐसे में कुछ विशेष बातों का भी ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, इसमें आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी को जानेंगे कि यश में आपको कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना है, साथ ही आपके लव लाइफ, स्वास्थ्य, करियर, पारिवारिक जीवन, प्रत्येक क्षेत्र में कौन कौन सी बड़े बदलाव होंगे। सभी की जानकारी ग्रहों के गोचर पर आधारित है, जो कि दोस्तों आप सभी को जानना बहुत ही जरूरी है। उससे पहले दोस्तों, जो भी भगवान शनिदेव और माँ लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माँ लक्ष्मी, जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। भगवान शनिदेव और माँ लक्ष्मी का अशुभ आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा, जीवन काल के सारे कष्ट आपके खत्म होंगे। दोस्तों, इसके साथ बात करते हैं कि भगवान शनिदेव और माँ लक्ष्मी जब आपकी राशि में चले हैं, तो दोस्तों अब आपके जीवन काल में आपको कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो के मध्य में हम आपको कुछ ऐसी विशेष बातें बताने वाले हैं भगवान शनिदेव और माँ लक्ष्मी के, जिन्हें दोस्तों अगर आप कर लेंगे, जिन्हें अगर आप मात्र सुन लेंगे, तो दोस्तों आपके जीवन काल की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और माँ लक्ष्मी भगवान शनिदेव का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होता रहेगा। जी दोस्तों, तो आए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि भगवान शनिदेव और माँ लक्ष्मी जब आपके कुंडली में आए हैं, तो दोस्तों आपकी कुंडली में त्रिग्रही योग का निर्माण होने वाले हैं, और दोस्तों इनके आशीर्वाद से आप सभी के जीवन काल में बहुत ही बड़ा चमत्कार इन दिनों होने वाले हैं। ये दोस्तों, आप सभी को बता दें कि निजी या फिर व्यावसायिक कामों में आ रही रुकावटें अब दूर हो जाएंगी। आपको बता दें कि अधिकतर समय परिवार के साथ आराम तथा मनोरंजन में व्यतीत होगा। आपसी सामंजस्य बेहतरीन होने से घर का माहौल भी ऐसे में पॉजिटिव बना रहेगा। भगवान शनिदेव और माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से आर्थिक दृष्टि से आपके लिए आने वाला समय बहुत ही ज़्यादा अनुकूल रहने वाले हैं। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि भगवान शनिदेव और माँ लक्ष्मी का ऐसा चमत्कार आप सभी के जीवन काल पे होंगे कि आपका जो दिन होगा बहुत ही सुखद व्यतीत होगा। साथ ही कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए आपके पास ऊर्जा बनी रहेगी। विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा से संबंधित कोई उत्तम शुभ समाचार मिलने से उनका मन बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहेगा। और दोस्तों, यह समय अपनी क्षमताओं और फिर ऊर्जाओं का आप भरपूर उपयोग करें। भगवान शनिदेव और माँ लक्ष्मी कहते हैं कि यश में आपको हर कार्यों में सफलता की प्राप्ति होगी, परंतु दृढ़ निश्चय तरीके से कार्यों में मेहनत और लगन के तरीके से आप आगे बढ़ते रहें। माँ लक्ष्मी और भगवान शनिदेव का आशीर्वाद आप सभी के साथ है। जी दोस्तों, आप सभी को बता दें कि भगवान शनिदेव और माँ लक्ष्मी के इस राशि में प्रवेश करने के कारण सौभाग्य और शोभा नाम के दो शुभ योग आपके जीवन काल में बहुत ही बड़ा चमत्कार करने वाले हैं। जी दोस्तों, जिनसे आपके जो भी नौकरी पेशा समस्याएं हैं, जो भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं, यश में खत्म होने वाले हैं और लाभ के नए नए रास्ते आपको मिलने वाले हैं। अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है तो दोस्तों उनमें आपको बहुत ज़्यादा लाभ यश में मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों स्वयं माँ लक्ष्मी और भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से मीडिया मार्केटिंग, ऑनलाइन आदि जैसी गतिविधियों पर थोड़ा ध्यान रखें। आपको बता दें कि इनमें आपको बहुत ज़्यादा धन लाभ मिलने की संभावनाएँ बढ़ रही है। आपके लिए यह समय फायदेमंद परिस्थितियाँ बना रही है, मेहनत का पूरा फल मिलेगा
कॉल फोन के माध्यम से कोई महत्वपूर्ण सूचना भी आपको मिलने की संभावना बढ़ रही है। भगवान शनिदेव और माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से अब आपके जुनकाल की सारी बाधाएं खत्म होंगी। प्रॉपर्टी संबंधी या फिर पैतृक विवाद चल रहा था तो दोस्तों उन्हें सुलझाने का उत्तम समय आ गया है, क्योंकि यश में माँ लक्ष्मी और भगवान शनिदेव का आशीर्वाद आप सभी के साथ है। जी दोस्तों, आप सभी को बता दें कि विदेश जाने के लिए जो भी कोशिश कर रहे थे दोस्तों, उन लोगों को सूचना मिल सकती है। स्टूडेंट को करियर से जुड़ी समस्याओं से यश में राहत मिलेगा, जिससे दोस्तों आप सभी बहुत ही प्रसन्न होंगे। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद और भगवान शनिदेव का साथ आप सभी की जुनकाल पर ऐसा होगा कि स्वास्थ्य में भी आपको बहुत ही अच्छा सुधार देखने को मिलेंगे। कोई भी लिया गया जरूरी फैसला भविष्य में फायदेमंद साबित होने वाला है, इसलिए दोस्तों यश में बिल्कुल भी कोई गलती ना करें और समय समय पर आप कोई अच्छी सोच जरूर रखें। जिस कार्यों में कार्य करें उनके लिए जरूर कुछ समय निकालकर सोचें कि यह कार्य आपके लिए कितना फायदेमंद है। जी दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि अब आप अपने जुनकाल में नित्य गायत्री मंत्र का जाप करते रहें। भगवान शनिदेव के ओम शन संचराय मंत्र का जाप करते रहें। जी दोस्तों, माँ लक्ष्मी और भगवान शनिदेव का यह सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है। तो दोस्तों सुबह शाम दिन रात जब हो सके दिन में समय निकालकर इन मंत्रों का मात्र जाप करने से आप सभी के जुनकाल में भगवान शनिदेव और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती रहेंगी। जी दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें कि यश में दोस्तों किसी भी कार्य को करने से पहले उसके सभी पहलुओं पर उचित विचार विमर्श करना भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आप जिस काम में हाथ डालेंगे उनमें आपको भगवान शनिदेव और माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से सफलता की प्राप्ति होगी। किसी पुराने झगड़े के सुलझाने से मानसिक शांति भी आपको प्राप्त होगा, क्योंकि दोस्तों यश में उनके मन में स्वयं भगवान शनिदेव और माँ लक्ष्मी ऐसा इच्छा शक्ति प्रकट करेंगे कि आपके प्रति उनकी सारी दुष्ट भावनाएं खत्म हो जाएंगी। जे दोस्तों, और समस्या का समाधान भी होगा। आपको बता दें कि यश में माँ लक्ष्मी और भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आपकी कुंडली में विराजमान होने के कारण आपके ग्रह गोचर भी आपके पक्ष में होने वाले हैं। आपको बता दें कि लाभदायक योजनाएं बनेंगी और वह क्रियान्वित भी होंगी। अपने संपर्क सूत्रों को और अधिक मजबूत बनाएं। कुल मिलाकर खुशी और संतोष भरा दिन व्यतीत होगा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि यश में माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से भगवान शनिदेव के साथ से घर के वरिष्ठ सदस्यों के स्नेह और आशीर्वाद से परिवार में सुखद और अनुशासित माहौल बना रहेगा। आर्थिक मामलों को मजबूत करने के लिए ये जो समय होगा आप सभी के लिए बहुत ही शुभ समय होगा, बहुत ही लाभकारी समय होगा। धार्मिक संस्थाओं संबंधी गतिविधियों में भी समय व्यतीत होगा जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होंगे। फालतू बातों पर ध्यान हटाकर अपने कामों पर लगाएं। अपने सपने व फिर कल्पनाएं साकार करने का उत्तम समय होगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे मौके बार बार नहीं आते जब दो देवी देवता आपके कुंडली पर विराजमान हो जाए, आपकी राशि पर आ जाए। जी दोस्तों, यश में रिश्तेदारों से संबंधित किसी विवाद को सुलझाने से रिश्ते में भी दोबारा मधुरता आएगी। आप सभी को बता दें कि परिवार के साथ साथ सुख सुविधा संबंधी वस्तुओं की खरीदारी में भी खुशनुमा समय व्यतीत होगा। किसी रिश्तेदार के यहाँ धार्मिक उत्सव में जाने का प्रोग्राम भी बनेगा। कहीं फंसा हुआ पेशा मिलने से आर्थिक स्थिति और अधिक बेहतर होगी, क्योंकि दोस्तों माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद यश में आपके जुनकाल पर पड़ रहे हैं। तो दोस्तों धन की आवक भी यश में आपकी बढ़ने वाली है। पैसे से जुड़ी समस्याएं भी यश में आपके खत्म होने वाले हैं। जी दोस्तों, हम आप शुभ बता दें कि भगवान शनिदेव और माँ लक्ष्मी का ऐसा आशीर्वाद आप शिव के जुनकाल पर होगा कि घर के बदलाव संबंधी योजनाएं बन रहे हैं। तो दोस्तों वह यशमय संपन्न होंगे और उन योजनाओं में आपको सफलता प्राप्त होगी और सभी लोग यश में आपकी सराहना करेंगे। समाज में भी आपकी मान सम्मान बढ़ेगी। आपको बता दें कि दोस्तों पद प्राप्ति की संभावना यशमय बहुत ही ज़्यादा प्रबल है और यशमय आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा इनमें। आपको बता दें कि दोस्तों भगवान शनिदेव और माँ लक्ष्मी के आपकी राशि पर विराजमान होने के कारण सोच समझकर आपका लिया गया निर्णय कोई भी भविष्य में नए रास्ते खोलेगा। जी दोस्तों, सिर्फ घर के अनुभवी व्यक्तियों की सलाह अवश्य लें, क्योंकि दोस्तों अनुभवी जो भी व्यक्ति है वह भगवान के ही समान है, उनमें भगवान का ही वास है। तो दोस्तों बड़ों का बात आप बिल्कुल ही ना काटें। संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार मिलने से घर में उत्सव भरा माहौल भी रह सकता है। दोस्तों लोन लेने की योजना अगर बनाए हैं तो दोस्तों चिंता ना करें, जिस कार्य के लिए आप लोन ले रहे हैं वह लाभदायक साबित होगा। यह समय ग्रह स्थितियां आपको यह संकेत दे रही है कि अपनी वित्तीय योजनाओं संबंधी कार्यों पर ध्यान केंद्रित रखें, यह योजनाएं आपके लिए लाभकारी साबित होंगी। शायद दोस्तों माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से कलात्मक कार्यों में रुचि रहेगी,
भगवान शनिदेव कहते हैं कि मन मुताबिक समय व्यतीत करने से आप फ्रेश और तनाव मुक्त रहेंगे और अपने अंदर एक नई ऊर्जा का भी आप संसार यश में महसूस करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों भगवान शनिदेव का आशीर्वाद आप सभी के साथ रहेगा। आपको बता दें कि दोस्तों यश में भगवान शनिदेव कहते हैं कि कुछ बातों का आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें, जैसे कि अपरिचित लोगों से किसी भी तरह का संपर्क ना रखें, कि दोस्तों राहत चलत आपको धोखा दे सकते हैं, बिन कार्यों में भी आपकी वह गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं। साथ ही कहते हैं कि उनके साथ कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचे, आप किसी दुविधा में बुरी तरह फंस सकते हैं। तो दोस्तों भूल कर भी ऐसे इंसान पर विश्वास न करें जिसका असर आपके परिवार पर भी पड़ सकता है। बच्चे पढ़ाई पर ध्यान दें, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी साबित होंगे। शायद दोस्तों माँ लक्ष्मी भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आने वाले समय में आपका जो लव लाइफ का जीवन होगा, घर परिवार में सुख और शांति भरा माहौल बना रहेगा, परंतु विवाहतर संबंधों का प्रभाव आपके घर की सुख शांति पर भी पड़ सकता है। शांति से बात करें दोस्तों, सभी समस्याओं का हल आपको प्राप्त होगा। साथ ही माँ लक्ष्मी और भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आने वाले समय में भी आपका स्वास्थ्य बहुत ही मजबूत रहेगा। कभी कभी आपकी विचलित मानसिक स्थिति का नकारात्मक प्रभाव आपकी कार्य की क्षमता पर पड़ सकती है, तो आपको करना क्या है कि कार्यों के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। योगा, व्यायाम या फिर मेडिटेशन, ऐसी चीज़ों पर ध्यान देना है। इनसे दोस्तों आपकी मानसिक शांति बढ़ेगी और इनसे आपका माइंड भी फ्रेश होगा। तो दोस्तों इन सभी बातों का ध्यान रखें। दोस्तों वीडियो के आखिरी में भगवान शनिदेव और माँ लक्ष्मी के लिए एक बहुत ही अच्छा ज्ञान। दोस्तों आप हमेशा माँ लक्ष्मी और भगवान शनिदेव से यह बात कहना कि किन सांसों का मैं एतबार करूं जो अंत में मेरा साथ छोड़ जाएंगी, किस धन का मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरे प्राणों को बचा नहीं पाएगी, किस तन पे मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरी आत्मा को बोझ भी ना उठा पाएगा। भगवान की अदालत में वकालत नहीं होती, और यदि सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती। जी दोस्तों, क्योंकि भगवान शनिदेव कर्मों के फलदाता हैं, अगर एक बार सजा दे जाए तो दोस्तों वह सजा आपको भुगतनी ही पड़ती है। तो दोस्तों सुबह शाम नित्य आपको भगवान शनिदेव और माँ लक्ष्मी का स्मरण करना है, आपके जीवन काल में मंगलकारी स्थिति बनती रहेगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया है। दोस्तों पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।